अगर आप आई सी मार्क के पेरेंट हैं और आप सीरियस हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए बनाई गई है। हो सकता है इस वीडियो से आपके कुछ स्कोर में और बढ़ोतरी हो जाए, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और शुरू से अंत तक देखिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये जो बचे हुए 10 दिन हैं, आज 1 सितंबर हो गया, 12 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो जो ये बचा हुआ 10 दिन है आप इसको कैसे यूटिलाइज करें, आपको क्या रिविजन कर लेना चाहिए, क्या कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए, और जो सबसे वीक पॉइंट है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे आईसीएमआर का। तो ये प्रोग्राम आज जो बात करने वाले हैं वो है सारथी 2 आईसीएमआर 2021 के बारे में, जो कोडन बायोलॉजी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था सारथी 2 आईसीएमआर, जन्माष्टमी के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें आपको जरूर आपके लाइक कंटेंट मिलेगा जिसे आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं कोडन बायोलॉजी। आईसीएमआर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेक्शन ए का और दूसरा पार्ट होता है सेक्शन बी का। इसका जो सबसे वीक पॉइंट होता है आईसीएमआर में वो होता है सेक्शन ए में 55% स्कोर करना, और उसमें भी एक वीक पॉइंट है आपका स्टेटिस्टिक्स का। इस सब्जेक्ट से, जो स्टेटिस्टिक का सब्जेक्ट है, इससे तकरीबन 8 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आते हैं। किसी साल 9 आता है, किसी साल 12 है, किसी साल 10 है, यानी कि एवरेज लेके चलें तो अप टू 10 क्वेश्चन आप इससे मार्क कर सकते हैं इस टॉपिक से, स्टेटिस्टिक के इस टॉपिक से। और सेक्शन बी में तो बायोलॉजी है आपके लिए नॉर्मल ही है, सबके लिए नॉर्मल है, जो आईसीएमआर दे रहे हैं उसको बायोलॉजी आता ही आता है। सवाल ये है कि दोनों सेक्शन में सेपरेटली आपका 55% होना अनिवार्य है। 55% सेक्शन ए में भी होना चाहिए और 55% सेक्शन बी में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों को कंबाइन करके हम लोग 55% स्कोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों में सेपरेटली 55% होना जरूरी है। और इसमें से मैथमेटिक्स का पोर्शन है आपका कितना, 10 क्वेश्चन का, यानी कि 50 में से 10 क्वेश्चन आपका जो है वो मैथमेटिकल, वो भी सिर्फ स्टेटिस्टिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और बायोलॉजी में इसका थोड़ा सा हम लोगों का इसमें वीक पॉइंट होता है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कि स्टेटिस्टिक ठीक से नहीं आती है, क्योंकि हम लोग उसको रिविजन नहीं करते हैं और सिलेबस में कम होता है। जिनका बायोटेक है या जिससे रिलेटेड सब्जेक्ट है उनके सब्जेक्ट में होता है, जिनका कोर बायोलॉजी है, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब में ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं जाती, सिलेबस में नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा वीक पॉइंट हुआ है हम लोगों का। तो आज इस वीडियो में जो बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको स्टेटिस्टिक पढ़ लेने चाहिए, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम में, जो कि आपका 12 सितंबर को है। तो इसमें से आप पढ़िए क्या, ये तो डिस्क्रिप्शन है, इसका डेफिनेशन वगैरह है, मेन है आपका आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा पढ़िए, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़िए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िए, और इम्पॉर्टेंट इससे ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, हर साल रहता है, स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है। इसके बाद आप पढ़िए डिफरेंट टाइप ऑफ मीन कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, और मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन है तीनों में, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनता है। इसके बाद मीन का भी कई तरह का मीन होता है, उसको भी निकालने के लिए सीखना है कि किस तरह का मीन किस विधि से निकलता है, क्या उसका फॉर्मूला है, एटलीस्ट वो याद रखना है, और रिलेशन एक दूसरे में याद रखना है। इसके बाद रेंज है, कैसे रेंज को हम लोग निकालते हैं, जैसे इंटरक्वार्टाइल रेंज है, कॉन्फिडेंशियल इंटरवल है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेना है। वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जेड स्कोर, जेड वैल्यू, ये सब निकालने के लिए सीखना है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आता है, डिस्क्रिप्टिव बाय स्टेट, ये हो गया आपका। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो है इन्फेरेंशियल, तो इन्फेरेंशियल में आता है आपका हाइपोथेसिस एंड देयर टेस्टिंग, तो कैसे हम लोग पी वैल्यू को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, मेटा एनालिसिस क्या है, कितने तरह का हाइपोथेसिस होते हैं, क्या है सेंसिटिविटी रिसर्च में, क्या स्पेसिफिसिटी है रिसर्च में। 2020 में इससे क्वेश्चंस आया हुआ है, 2 से 3 क्वेश्चंस इससे, 4 क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। इसके बाद Error 1, Error 2 and Error 3 भी जरूर पढ़िए। जनरली क्वेश्चन जो है वो Error 2 और Error 1 से आता है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे Error 3 भी पढ़िए, क्योंकि 2020 का जो क्वेश्चन है
जो हमने देखा है पिछले दो साल का क्वेश्चन, उसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि एरर थ्री के तरफ उसका जा रहा है सारा, कि एरर थ्री से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद पी वैल्यू को तो जरूर पढ़िए। पी वैल्यू निकालने के लिए नहीं पढ़ना है, पी वैल्यू का किस तरह से आपका रिलेशन है कि कैसे हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, ये सारी चीजें इसे पढ़ लेना है। इसके बाद केस स्टडी कुछ कुछ पढ़ सकते हैं, यानी कि कैलकुलेशन पढ़ सकते हैं कुछ, कोरिलेशन एनालिसिस पढ़ना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ना है, मल्टीपल रिग्रेशन पढ़िए, इसी का एक्सटेंशन है एक्चुअली। आप एडवांस वर्सन पढ़ेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, आप उसमें ही पढ़ेंगे, यानी कि ये इसी का एक्सटेंशन है। जब आप कोरिलेशन को और डीपली पढ़ेंगे तो मल्टीपल रिग्रेशन उसी का एक पार्ट है। इसके बाद आपको पढ़ना है टेस्ट, जैसे इनोवा टेस्ट है, एप टेस्ट है, या काय स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है। एक्चुअली टेस्ट का वैल्यू निकालने के लिए नहीं आता कि किस टेस्ट से क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, क्वेश्चन आता है थियोरेटिकली कि इसका यूज कहाँ होता है। अगर दो डाटा हमने दिया है, एक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है, तो कौन सा टेस्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसके लिए वैलिड टेस्ट होगा, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज ले लेना है कि कौन सा टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, क्या यूज है। जरूरी नहीं है कि सबको कैलकुलेशन करने के लिए सीखना है, ओवरव्यू होना जरूरी है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि ये एक तरह से स्टेटिस्टिक्स का ही पार्ट है, लेकिन ये मैथमेटिकल पोर्शन भी है। प्रोबेबिलिटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आप जनरल एप्टीट्यूड बनाते हैं तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो निश्चित रहेगा। प्रोबेबिलिटी एक मिला जुला सब्जेक्ट है, आपका टॉपिक है, जिसमें से परसेंटेज या जब आप पढ़ेंगे एवरेज पढ़ेंगे तो उस सब में भी ये सब क्वेश्चन आएगा। जनरल एप्टीट्यूड में ही प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ेंगे जब डाइस वगैरह, तो उसमें भी क्वेश्चन ये आता है। ये हो गया इस पोर्शन। अगर इतना कुछ आप पढ़ लेते हैं बाय स्टेट में, तो मुझे लगता है कि 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन 10 में से आप बना सकते हैं बाय स्टेट का इससे। और इतना पढ़ने के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा टच कर लीजिए कि क्या क्वेश्चन आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो क्वेश्चन तो सब आपको देख ही लेना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है नहीं है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन और उसका एनालिसिस एक बार जरूर चेक कर लीजिए। इसके बाद अगर आप 5 से 10 दिन में पढ़ना चाहते हैं, रिविजन करना चाहते हैं, तो मैंने कुछ डिसाइड किया है। ये डिविजन के थ्रू मैंने इसको 13 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। 13 में से क्या है, एक्चुअली ये टेस्ट है, जैसे जनरल एप्टीट्यूड आप पढ़ लीजिए, डिजीज एंड हेल्थ, स्टेटिस्टिक्स, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर, एंड जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जनरल नॉलेज को हमेशा कोरिलेट करना है किसके साथ, डिजीज के साथ, कि जो वर्ल्ड वाइडली हो रहा है या जो इंडिया नेशन वाइज हो रहा है, वैसा जनरल नॉलेज जो डिजीज से रिलेटेड हो, जो हेल्थ से रिलेटेड हो, इसको हमेशा कोरिलेट करिए हेल्थ एंड डिजीज से, उसी तरह का जनरल नॉलेज यहाँ पूछा जाता है। इसके बाद सेक्शन बी आ गया, इसमें बायोमोलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डिजीज, देयर कॉजिंग एजेंट, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स है, बायोटेक, बायोइन्फो, बायोफिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, एंड लास्ट सेक्शन 5 है इसमें बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी का। एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक सब टॉपिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल, जैसे कि सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का, तो इसमें क्या सेल साइकिल, सेल डिविजन हो गया, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गया, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, डीएनए आरएनए, वो सारा सब टॉपिक इसमें से आपको पढ़ लेना है। क्योंकि 10 दिन का ही समय है, ये पूरा प्रोग्राम 10 डेज को देखकर बनाया गया है कि 10 दिन में आप कैसे रिवाइज करें। तो सेक्शन को इस तरह से आप बांट लें, इसमें 13 सेक्शन है, 5 सेक्शन है सेक्शन ए के लिए है, जिसमें से आप डेली एक रूटीन बना लें, हमको एक टॉपिक जनरल एप्टीट्यूड पढ़ लेना है और उस जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हमें सामने बना लेना है। इसी तरह डिजीज एंड हेल्थ को पढ़ लेना है, उसका क्वेश्चन रिवर्सल कर लेना है, इसी तरह से हर एक टॉपिक का। तो टोटल आपका 10 दिन का ये डे है। ये जो 3 है जिसको हम 13 कह रहे हैं, 13 सेक्शन, एक्चुअली मॉक टेस्ट है। जब आप कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट सब कुछ कर लेंगे, या बीच बीच में भी किस किस दिन आप मॉक टेस्ट रख सकते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, या तो आप लास्ट में भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एटलीस्ट 1 से 2 या 3 मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर जरूर यूज करिए, ताकि एग्जाम से पहले आपको एग्जाम की फीलिंग आ जाए। ऑनलाइन एग्जाम है, एग्जाम की फीलिंग आ जाए, आप 2 घंटा बैठिए और उतना 150 क्वेश्चन रखिए। इससे टाइम मैनेजमेंट पे आपको मदद मिलेगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। ज्यादातर समस्या एक ये भी होता है स्टूडेंट्स का कि सेक्शन ए में ज्यादा समय लग गया, सेक्शन बी में, मतलब टाइम ठीक से मैनेज नहीं हो पाता, तो कुछ क्वेश्चन जानते भी आपका छूट जाता है। ऐसे आईसीएमआर में ऐसा कम ही होता है, क्योंकि यहाँ 1 मार्क्स क्वेश्चन रहता है। अब कोडन बायोलॉजी ने जो कोर्स लॉन्च किया है, जिसको हम लोग सारथी कहते हैं, उसमें है कि हमने आपको एक टाइम टेबल बना के दिया है कि किस दिन क्या एग्जाम करना है,
क्या आपका कंटेंट होगा, इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं और उसका एक डे डिसाइड किया गया है। जैसे कि सारथी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इसका फी जो है 1500 का है। इसमें है क्या कि सबसे पहले सेक्शन ए के लिए, खासकर जो स्टैटिस्टिक्स का आपका पोर्शन है उसके लिए हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन ए का हम इसका डिटेल अभी बताएंगे आपको कि क्या क्या स्टडी मटेरियल है। इसके बाद सेक्शन ए में टॉपिक वाइज टेस्ट है, 5 टॉपिक वाइज टेस्ट जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है अभी, ये टेस्ट जो है ये टॉपिक वाइज टेस्ट है। इसके बाद सेक्शन बी का 5 टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, 3 मॉक टेस्ट है। ये तीनों चीज़ें हमने प्रिपेयर किया हुआ है पहले से, हमारे पास बना के हमने रखा है इस प्रोग्राम के लिए। इसके बाद 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आप चाहेंगे तो इससे ज़्यादा भी कर, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, और 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं अगले 10 दिनों में तो ICMR में स्कोर करना 55% दोनों में, बहुत खासकर सेक्शन ए में बहुत आसान होगा आपके लिए, क्योंकि सेक्शन ए ही एक बैरियर होता है जहाँ से सेक्शन बी में 55 कर भी लें तो सेक्शन ए में 55 होने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड का है, जनरल क्वेश्चन इसमें रहता है। तो एक्चुअली मान के चलिए तो 7 डेज का ही है जो हमने प्रोग्राम बनाया है, अगर आप डिटेल देखेंगे तो ये बस 7 डेज का है, ये हमारा प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये 7 दिन का हमने 1 से 7 सितंबर का प्रोग्राम बनाया हुआ है। जैसे कि आज 1 सितंबर है तो आज पहला टेस्ट था जो कि 3 बजे रिलीज हो चुका है ऑलरेडी, तो ये टेस्ट 1 था, फिर टेस्ट 2, टेस्ट 3, इस तरह से पूरे 7 डेज में हमने इसको लगाया हुआ है कि कैसे आप 7 दिनों में ये पूरा 13 टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के टॉपिक्स रहेंगे। तो एक वे हमने प्रोवाइड कराया कि आपको ये सब सोचना नहीं कि डिज़ाइन नहीं करना, एक प्रीपेयर्ड आपके पास डिज़ाइंड है कोर्स जिसमें आप कर सकते हैं, तो आपको बस रिविज़न करना है, टेस्ट देना है। और सबसे खास बात एक ये है कि हमने एक बुक तैयार किया, एक लेक्चर नोट है स्टेटिस्टिक्स के लिए, और उस लेक्चर नोट में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने आपको पहले बताया है अभी कि क्या होना चाहिए, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा पढ़ना है, सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल जो भी चीज़ें हैं उन सबको हमने लिस्ट आउट किया हुआ है, एक तरफ से सब कुछ है उसमें, जो भी चीज़ें यहाँ से दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर आपको, इसमें तकरीबन 26 टॉपिक यहाँ पर है और 26 टॉपिक इस पर, यानी कि इस लेक्चर नोट में ये 110 पेज का है और उसमें से ये पूरा 52 टॉपिक कवर किया गया है पूरी तरह से, ये टोटल जो 52 टॉपिक है ये सब एक जैसा कवर किया गया है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन है स्टेटिस्टिक्स के अलग किए हुए टॉपिक वाइज क्वेश्चन, 3 साल का उसमें रखा हुआ है, ये हम लोग सेक्शन ए में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट सेट, फुल कोर्स टेस्ट सीरीज रूटीन है ये सेक्शन ए और सेक्शन बी का। तो बहुत से स्टूडेंट हैं इसमें कि सेक्शन सिर्फ ए चाहते हैं क्योंकि उसका सेक्शन बी में सोशल साइंस है, और हम लोग कोडन बायोलॉजी में सिर्फ लाइफ साइंस के लिए ही टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए सेक्शन ए को अलग किए हैं हम लोगों ने। और अगर आप सोशल साइंस से हैं, लाइफ साइंस नहीं है आपका, तो सेक्शन ए के लिए एक टेस्ट सीरीज है, एक मटेरियल है जिसमें से हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें, स्टेटिस्टिक का डिजीज का एक बुक है, टर्मिनोलॉजी है, जनरल बायोलॉजी का 6 से 12 तक का NCERT का सब कुछ उसमें सार है। इसके बाद नोबेल प्राइज विनर का लिस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है स्टेटिस्टिक्स का, और 2 मॉक टेस्ट है, 1 फुल मॉक टेस्ट है। ये जो 2 मॉक टेस्ट है ये सेक्शन ए के लिए है और ये फुल मॉक टेस्ट है, और 100 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं सेक्शन ए के लिए आप, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन ए का 3 साल का यहाँ पे अवेलेबल है। ये सेक्शन ए के लिए है सिर्फ, टोटल कंप्लीट ये पैकेज है सेक्शन ए के लिए, और इसका सिर्फ फी है 299 रुपीज़ का। तो हमने जितना आपको बताया आप उतना कर लीजिए, और इसके लिए जो है एक डिज़ाइन तैयार किया गया है, ये भी 3 सितंबर, 4 सितंबर और 7 सितंबर का उसी टेस्ट में से जो सेक्शन ए का है उसको अलग करके यहाँ रखा गया है, ये टेस्ट पहले से मॉड्यूल किया गया है, आप इसे इस दिन तैयार हो जाइए, ये टॉपिक पढ़ लीजिए और ये टेस्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितना हमने टॉपिक बताया खासकर स्टेटिस्टिक्स के लिए उतना आप कवर कर लीजिए, आपका सेक्शन ए आराम से वहाँ तक पहुँच जाएगा। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो कॉन्टैक्ट करिए, हमारा नंबर जानते ही हैं, और कोडन बायोलॉजी पे मेल भी कर सकते हैं। फिर हम अगला वीडियो लेके आएंगे कि क्या आप कुछ जो मुश्किल सवाल हैं, कुछ हमें आए हैं डाउट क्वेश्चंस आए हैं
उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू ऑल।